मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे। अध्याय 15 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। क्या पढ़ेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पढ़ेंगे सबसे पहले आपातकाल की पृष्ठभूमि। तो सन 1967 के बाद भारतीय राजनीति में बहुत परिवर्तन आए और उस परिवर्तन का के दौरान इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आई और उनकी लोकप्रियता उस समय पर अपने चरम पर थी। इस दौर में 1967 के बाद के दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा, दलगत राजनीति की प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गई थी और इससे ध्रुवीकरण भी बहुत हो गया था। इस समय न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी बहुत तनाव आ गए। सर्वोच्च न्यायालय के सरकार की कई पहलकदमियों और संविधान के विरुद्ध माना गया। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया गया और राजनीतिक हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही थी। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद भी हो गए थे। अब है गुजरात और बिहार के आंदोलन। गुजरात और बिहार के आंदोलन के पहले सन 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो 1971-72 के सालों में भी सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार जिसके कारण नहीं हो पाया था। अब है गुजरात और बिहार के आंदोलन। गुजरात और बिहार दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। दोनों राज्यों में गुजरात और बिहार कांग्रेस की सरकार थी और सन 1974 जनवरी 1974 माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। क्या किया था? भ्रष्टाचार के खिलाफ गुजरात के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई थी और इस आंदोलन ने बहुत अधिक विकराल रूप धारण कर लिया था। 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने भी क्या किया था? आंदोलन किया। और आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी जयप्रकाश नारायण तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लग गए थे, पर उन्होंने छात्रों के इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आंदोलन की अगुवाई करी। आंदोलन हिंसक रहेगा, अहिंसक रहेगा, हिंसा नहीं रहेगी आंदोलन में और बिहार तक ही यह आंदोलन सीमित नहीं रहेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील की गई कि जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आज जुड़े थे। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ना शुरू हो गया था। अब है नौकरशाही, प्रतिबद्ध या वचनबद्ध नौकरशाही। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही का अर्थ है कि नौकरशाही किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के सिद्धांतों एवं नीतियों से बंधी रहती है और उस दल के निर्देशों से ही कार्य करती है। प्रतिबद्ध या वचनबद्ध नौकरशाही।
कार्य नहीं करती, बल्कि इसका कार्य किसी दल विशेष को योजनाओं के बिना कोई प्रश्न उठाए लागू करना होता है। फिर आता है प्रतिबद्ध या वचनबद्ध न्यायपालिका। तो प्रतिबद्ध या वचनबद्ध न्यायपालिका से अभिप्राय ऐसी न्यायपालिका से है जो एक दल विशेष या सरकार विशेष के प्रति वफादार हो और उसके आदेशों और निर्देशों के अनुसार ही चले। किसके निर्देशों के अनुसार ही चले? किसी दल विशेष जो सत्ता में है, जिसकी सरकार है, उसी दल विशेष के प्रति वह वफादार और उन्हीं के आदेशों और निर्देशों का पालन करती है, उसी के अनुसार कार्य करती है। 1973 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपेक्षा करी। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपेक्षा करी थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। उपेक्षा किसकी करी थी? श्री A.N. रॉय को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपेक्षा करके उनके पद पर श्री A.N. रॉय को नियुक्त किया, जिससे प्रतिबद्ध न्यायपालिका से संबंधित विवाद उत्पन्न हो गया था। अब यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न उत्तर है आपकी NCERT बुक से संबंधित। तो किन कारणों से 1980 के मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े? प्रश्न है किन कारणों से? उत्तर है क्योंकि जनता पार्टी मूलतः इंदिरा गांधी के मनमाने शासन के विरुद्ध विभिन्न पार्टियों का गठबंधन था, इसलिए शीघ्र ही जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया था। 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया था। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में दूसरी पार्टी, दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक ही सत्ता में रही और 1980 के लोकसभा के लिए नए सिरे से मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। फिर है प्रश्न, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग क्यों नियुक्त किया गया था और इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और क्या निष्कर्ष थे? उत्तर, शाह आयोग का गठन 15 जून 1975 को घोषित आपातकाल के दौरान किया गया था और सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार, कदाचार के विभिन्न आरोपों के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी। वे आयोग के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने आयोग के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आयोग के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर शाह आयोग ने अपनी जांच के दौरान पाया कि इस अवधि में बहुत सारी अति हुई है और भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत 2 अंतरिम रिपोर्ट, तीसरी और अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिश, पर्यवेक्षणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में भी विचार के लिए रखी गई। दोनों सदन कौन कौन से? उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में विचार के लिए रखा गया। प्रश्न छठवा है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए? सरकार के अनुसार चुनी गई सरकार को लोकतंत्र में विपक्षी दल उसकी नीतियों के अनुसार शासन नहीं चलाने दे रहे थे। बार बार धरना प्रदर्शन, सामूहिक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकियां देकर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन विकास के
के कार्यों पर पूरा ध्यान नहीं दे सकता। सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ी। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को एक चिट्ठी में लिखा कि षड्यंत्रकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रम में अड़ंगा डाल रही हैं और उन्हें गैर संवैधानिक साधनों के बलबूते सत्ता से बेदखल करना चाहती हैं। अब आगे का प्रश्न है कि सन 1977 के चुनाव के बाद पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी तो ऐसा किन कारणों से हुआ? पहला 1977 चुनावों के पश्चात आपातकाल के कारण विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई और उन्होंने जनता पार्टी के नाम से एक नया दल बनाया। जनता पार्टी का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण को दिया गया। जयप्रकाश नारायण उस समय एक लोकप्रिय नेता थे। कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के विरुद्ध थे जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। जगजीवन राम ने कांग्रेस से निकलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक दल का निर्माण किया और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। जनता पार्टी ने आपातकाल को मुद्दा बनाकर चुनावों को उस पर जनमत संग्रह का रूप दिया और आपातकाल के ज्यादतियों पर बल दिया। ऐसी परिस्थितियों में जनता पार्टी के निर्माण से गैर कांग्रेसी वोट एक ही पार्टी को पड़े या वोट पहले चुनावों में बढ़ जाते थे। जनता भी आपातकाल की ज्यादतियों से अत्याचारों से तंग थी। परिणाम स्वरूप कांग्रेस की हार और जनता पार्टी की विजय हुई और उसकी अंत में जनता पार्टी की सरकार बनी। अब है हमारी राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित पक्ष पर आपातकाल का क्या असर हुआ? नागरिक अधिकारों की दशा और नागरिकों पर इसका असर। नागरिक आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब एक भी अधिकार नहीं रह गया था। मौलिक अधिकारों की बहाली, अदालतों का दरवाजा खटखटाया, सरकार ने निवारण नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता था कि उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं था, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत इस आकांक्षा से गिरफ्तार किया जाता था कि वे कोई अपराध कर सकते। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपने गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकते थे। फिर यह दूसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका में संबंध। आपातकाल के बाद कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। इंदिरा गांधी ने कार्यपालिका या संसद की सर्वोच्चता का हवाले देते हुए कई संविधान संशोधन की योजनाएं बनाई। इनमें से अधिकांश को उच्चतम न्यायालय ने निष्फल कर दिया। जनसंचार माध्यमों में कामकाज, प्रेस सेंसरशिप हुई जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को पाबंद कर दिया। अखबारों में कोई खबर छपने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ी। विरोध प्रदर्शन और हड़तालों पर पाबंदी लगा दी गई। बहुत सारे मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया जिससे मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत में जाने का अधिकार भी शामिल था। पद्मभूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्म चिन्ह से सम्मानित लेखक परेश्वर नाथ रेणु लोकतंत्र के दमन के विरोध अपनी अपनी पदवी दोनों ने सरकार को लौटा दी। बच्चों अब है प्रश्न, भारत की दलीय प्रणाली आपात क्या क्या असर हुआ? सत्ताधारी पार्टी के बहुमत मिलने की वजह से नेतृत्व में लोकतांत्रिक क्रियान्वयन को चुनौती देने की हिम्मत थी। कानून व लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने की वजह से संविधान निर्माताओं ने सरकार को आपातकाल के दौरान अधिक शक्ति। संसद पर आधारित लोकतंत्र, लोगों के सहयोग पर आधारित लोकतंत्र के बीच मतभेद शुरू हो गया। यह सब दलीय व्यवस्था की अक्षमता के कारण था जो लोगों की आशाओं पर खरी नहीं उतरी। पहली बार विपक्षी पार्टियां नई जनता पार्टी के नाम से कांग्रेस वोटों
चुनावों में एक दल की संप्रभुता समाप्त की गई और गठबंधन सरकार को जन्म दिया गया। संस्था पर आधारित लोकतंत्र और लोगों के सहयोग पर आधारित लोकतंत्र के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगे। सत्ताधारी पार्टी को बहुमत मिलने की वजह से लोकतांत्रिक क्रियान्वयन को भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। पहली बार विपक्षी पार्टियां नई पार्टी जनता पार्टी के नाम से गैर कांग्रेस वोटों को भी न बांटने के उद्देश्य से आई थी। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर और ये यहीं पर समाप्त होता है। तो आप इनको अपनी किताब के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से अपनी कॉपी पे लिखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देनी है। तो आप अच्छी मेहनत करके इसको पढ़िए और याद करें।